ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ। पंजाब के आम परिवारों को फ्री बिजली मिल रही है। सरकार के इस ऐलान के बाद आम लोग खुश हैं। एक तरफ लगातार बढ़ती महंगाई जनता की जेब ढीली कर रही है, तो वहीं मान सरकार ने फ्री बिजली देकर जनता को राहत दी है। मान सरकार के इस फैसले पर जनता सरकार की वाहवाही कर रही है और कह रही है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। ये 1 जुलाई से बिल 300 यूनिट फ्री की है, बहुत बढ़िया काम है जी। मान सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, गरीबों के हक में है। शिक्षा मेडिकल ये भी बहुत अच्छा है जी। मान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जो पिछली सरकारें थी अकाली दल कांग्रेस, उन्होंने इतना अच्छा काम नहीं किया। मान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। भगवंत मान ने अपना चुनावी वादा पूरा किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट सत्र में फ्री बिजली योजना का ऐलान किया, जिसके बाद से फ्री बिजली पर जनता अपनी खुशी जाहिर कर रही है। साथ ही साथ जनता कह रही है कि सरकार मेडिकल पर और शिक्षा पर भी अच्छा काम कर रही है। अच्छा है, पब्लिक के लिए अच्छा है, अच्छा काम कर रही है सरकार, पब्लिक के लिए कर रही है। और जो शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए कर रही है, मेडिकल के लिए कर रही है, वो टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा। 3 महीने की सरकार है अजय, 3 की 4 की हो गए, उसको टाइम तो लगेगा ना काम करने के लिए। पैसा भी चाहिए काम करने के लिए, और भी इसको मतलब भी फाइनेंस भी उसमें जमा करना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 31 दिसंबर से पहले सभी बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है। मान सरकार ने कहा कि इस योजना से लगभग 73 लाख परिवारों को फायदा होगा। मान सरकार के महज 3 महीने हुए हैं, लिहाजा जनता सरकार की मुश्किलों को समझ रही है और पिछली सरकार की तुलना में बेहतर बता रही है। मान सरकार की फ्री बिजली योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सरकार द्वारा तय किए गए नियम और शर्तों को मानना होगा, नहीं तो आपको बिजली का बिल भुगतान करना पड़ेगा। पंजाब में 2 महीने का बिजली सर्कल होता है, ऐसे में एक बिल में 600 यूनिट मुफ्त बिजली ही मिलेगी। अगर 2 महीने में बिजली की खपत 600 यूनिट से 1 यूनिट भी ज्यादा हुई तो फिर बिल पूरा देना होगा। SC, बैकवर्ड क्लास, BPL परिवारों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार जो पहले से ही 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ उठाते आए हैं, उन्हें अब 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। लेकिन ये परिवार अगर 300 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपयोग करते हैं तो सिर्फ ज्यादा इस्तेमाल किए गए बिजली यूनिट का भुगतान करना होगा, उन्हें पूरा बिल नहीं चुकाना होगा। उदाहरण के लिए, यदि उपभोक्ता 620 या 640 यूनिट की खपत करता है तो वह 20 या 40 यूनिट का ही भुगतान करेगा। किसानों के लिए 6,947 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी और उद्योगों के लिए 2503 करोड़ की बिजली सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान बनाया गया है।